बोलो, क्वेश्चन होगा, पिछला भी होगा, लास्ट क्लास का भी होगा। हाँ, पहले पीछे वाला बोलो। मुझे दिखाइए, शो मी, नीड माई हैंड, डोंट वेक्स मी। वेक्स का मतलब तंग करना होता है, वेक्स, VEX, वेक्स। तंग करना, जाओ, गो एंड सिट इन द क्लास, जाओ और गो एंड रीड, डोंट डिस्ट्रैक्ट माई माइंड, अपना पैसा उठाओ। उठाना का क्या होता है? पिक नहीं, पिकअप। जब ये नीचे से कुछ उठाते हैं ना, तो पिक अप करते हैं, तो पिक अप योर पेन, सॉरी, पिक अप योर मनी, हैव फ्रेंडशिप विथ मी, डोंट स्पीक लाउडली, टेल मी समथिंग अबाउट योर कॉलेज, वेयर इज योर कॉलेज, माय कॉलेज इज इन दरभंगा, वेयर इज योर कॉलेज इन दरभंगा, माई कॉलेज इज इन दरभंगा एट कैदराबाद। देखो, इन और एट का कॉन्सेप्ट। और कुछ ना? हाँ, इन और एट, हाँ, मेरे सर बहुत सख्त है, माई सर या माई टीचर, जो करो, माई टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, इज वेरी स्ट्रिक्ट, लुक एट माई फादर, डोंट लियर मी, डोंट लुक एट मी, वॉच द टीवी, डोंट वॉच द सीरियल, एक ग्लास पानी लाओ, लाना का दो बताया था ना, ब्रिंग और फेच, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जाकर लाना का फेच, फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, छोटू ब्रिंग अ कप ऑफ टी, फेच अ चेयर, सर आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू सी यू, दोनों चलेगा, आई वॉन्ट टू सी यू, गिव मी समथिंग टू राइट, गिव मी, गिव मी समथिंग, गिव मी अ पेन, और खत्म, आ जाओ। तंग करना क्या होता है? वेक्स, तंग करना, सर खाना, नहीं, कभी कभी किसी के पास बैठ जाते हैं तो बिना भाष का उसको चाटते रहते हैं, डेट इज चाटना, समझ में आ गया ना, चाटना मतलब तंग करना। चाटना का ऐसा अलग सा मीनिंग भी होता है, एक होता है लिक का मतलब ही चाटना होता है, और सक का मतलब चूसना होता है, नहीं, खाना वगैरह बच्चा सब खा लेता है तो अच्छा रहता है, अंगूठा तक चूस जाता है, डेट्स कॉल्ड सक करना, खाना खाने में उंगली चाटते, उंगली चूसते रहते हैं ना, नहीं नहीं गलती बोल दिए, खाना खाने के बाद उंगली चाटते हैं, टेस्टी रहता है तो, नहीं चाटते हैं तो लिक करते हैं, लिक का मतलब क्या हो जाएगा? चाटना। एक होता है चूसना, बच्चा सा नहीं, अंगूठा में अंगूठा रख लेता मुंह में तो बताए गंदी बात निकालो, तो हम बोलते हैं सक, एक रियल में चाटना होता है, जब किसी को बैठा कर चाटते रहते हैं, डेट इज कॉल्ड भेक्स, आए समझना, चाटना तंग करना, सर खाना, सर खाने के सेंस में आ जाना, इन्हीं को उसका सर निकाल के खा जाना, क्या भरोसा, आ जाना, हाँ वो नहीं होगा, थोड़ा सीखो, थोड़ा जानो इन और एट का कॉन्सेप्ट जानो, क्या दिक्कत है, जैसे बोले कि मैं दरभंगा में कैदराबाद में रहता हूं, तो मैं का इंग्लिश दो गो होता है, मैं लिखा ले ना, एक आई भी होता है, वो दो गो आकार होगा यहां पे, ये वाला इसका तो आई होता ही है, हाँ ये प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है, हाँ शुरू में यूज करते हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशन है, मैं वाला क्या चीज है, प्रीपोजिशन, इसका इंग्लिश दो गो होता है, एगो इन एगो एट, इन का मतलब भी मैं,
एट का मतलब ही तो सर कैसे समझेंगे? अब इन दरभंगा करे कि एट दरभंगा करे, इन रनवे करे कि एट रनवे करे, इन मुंबई करे कि एट मुंबई करे, दिक्कत होगा ना। आ जाओ, बड़े स्थानों के लिए, बड़े स्थान के लिए किसका करेंगे? इनका। और छोटे स्थान के लिए, अब तो हो जाएगा ना, हाँ बोल, डाउट है? इसलिए बोलते हैं मुंबई में, क्या बोलते हैं? मुंबई में। तो क्या बोलेंगे? पहले बनाना मैं का, फिर बनाना चिकोरान से। पहले किसका बनाएगा, फिर किसका बनाएगा? तो मैं का इंग्लिश क्या होगा? इन। अब मुंबई का बताना पड़ेगा क्या होगा, दिल्ली नहीं ना हो जाएगा? चलो इन मुंबई कर लेंगे। जैसे बोलेंगे दरभंगा में, दरभंगा में। अब बता, दरभंगा छोटका है कि बड़का है? बड़का है। ओ छोटका नहीं हो सकता है, लेकिन ये बताओ कि मुंबई के सामने दरभंगा बड़ा है कि छोटा है? अब समझा गया ना? अगर दो आदमी का तुलना कर देंगे फिलहाल चलेगा। अब इन दरभंगा बोलो या नीचे लिखते हैं, इन दरभंगा बोलो या क्या बोलो? एट दरभंगा बोलो, दोनों सही है। लेकिन जब ये तुम डिफरेंस बताएगा, तुलना करेगा, तो फिर ये कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। जैसे बोल देंगे कि लिखते हैं कि दरभंगा में टावर, दरभंगा में टावर, दो बात हो गया ना, दरभंगा में टावर। तब बोलेंगे दरभंगा में है ना, तो क्या बनेगा? इन दरभंगा। जैसे हम बोले कि मैं दरभंगा में टावर पर रहता हूं, क्या बोले? मैं दरभंगा में टावर पर रहता हूं, तो दरभंगा में हो गया इन दरभंगा, और टावर पर हो जाएगा ना, तो एट टावर बोलो। जैसे हम बोले कि मैं क्यूटी में रनवे में रहता हूं, क्यूटी में रनवे में, तो क्यूटी के अंदर ना रनवे आता है, तो क्यूटी तो प्रखंड हो गया ना एगो, तो इन क्यूटी एट रनवे। जैसे बोलेंगे दरभंगा में दोनार, तो क्या बोलेंगे? इन दरभंगा एट दोनार। इससे यह पता चलेगा कि दरभंगा बड़ा है, दरभंगा के अंदर दोनार आता है, और कर देंगे इन दोनार एट दरभंगा, और दोनारे के अंदर दरभंगा आता है, होगा? समझना पड़ेगा, ठीक है? छाप लो इसको, छोटा बात था। एक क्वेश्चन लिख ही देते हैं यहां पे, मैं दरभंगा नहीं, मेरा घर जहां वही लिखते हैं, मैं क्यूटी में रनवे में रहता हूं, बन जाएगा? मैं क्यूटी में रनवे में रहता हूं, बना जरा क्या बनेगा? आईली बैट, पहले एट बोलो या इन बोलो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, दोनों बोल सकता है। देखो इसमें जो सेंटेंस बनाते हैं ये टेंस का क्वेश्चन है, ये भी देख लो, ये किसका है तुमको? टेंस का है। टेंस सीख जाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बनने लगेगा। जब तक क्लास नहीं दी है और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना चाहता है तो 8 बजे 7 बजे का बैच है ना, उसमें टेंस का वीडियो होगा, देख लेना, टेंस भी आ जाएगा तुमको। हम तुमको देंगे लास्ट में ना, हम सब चैप्टर पढ़ा देंगे तब जाकर टेंस देंगे। हम क्या सब देंगे सो देख लो। मेंशन भी कर देते हैं, हम तुमको देंगे पहले तो पूरा बेसिक ठीक करेंगे। क्या करेंगे? पहला काम ये तो सबसे पहले हमको करना है, कर रहे हैं ना अभी, हम बेसिक ठीक कर रहे हैं, बेसिक जैसे थोड़ा सा भर बगरा सेट करना सिखाएंगे, थोड़ा सा प्रीपोजिशन से दोस्ती करवाएंगे, थोड़ा सा नाम से दोस्ती करवाएंगे, सबसे थोड़ा बहुत दोस्ती करवाएंगे, सेंटेंस छोटा छोटा सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। बेसिक हो गया, बेसिक में इजमार वाजवेर सभी खींचा जाता है, ठीक है।
उसके बाद तुमको एक टॉपिक पढ़ाएंगे हम, देयर। क्या पढ़ाएंगे? देयर। उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ाएंगे, इट। ये बता देते क्या क्या पढ़ाएंगे। चौथा फिर तुमको पढ़ाएंगे कैन। पांचवा फिर तुमको पढ़ाएंगे मे। फिर तुमको पढ़ाएंगे शुड। और फिर तुमको पढ़ाएंगे मस्ट। इतना पढ़ाएंगे, चार गो, कैन, मे, शुड, मस्ट। मन होगा तो कुडो पढ़ा देंगे। नौवा फिर जाके तुमको पढ़ाएंगे हम टेंस सबसे लास्ट में। तो ये सब पिलर है, ये सब क्या है? पिलर है। ये टेंस होगा ढलैया, बुझले? सब पिलर रहेगा तब ना छत, कि पहले छत तब पिलर, समझ में आ गया ना? वही काम कर रहे हैं, लास्ट काम करेंगे। तब एक टॉपिक और पढ़ा देंगे मन होगा तो, वॉइस इसी में। और कंडीशन कह दिया किस एक बार दे देंगे तब नरेशन। लेकिन मेन तुमको यहां तक देना है हमको इंग्लिश सिखाने के लिए। ये सब ग्रामर का भी टॉपिक होता है और थोड़ा बहुत स्पोकन में जोत पड़ता है, बोलचाल की भाषा में, इंग्लिश सीखने में जोत पड़ता है। बाकी तो ग्रामर का टॉपिक है, स्पोकन है अंग्रेजी सीखने के लिए, ग्रामर है अंग्रेजी को सुधारने के लिए। अभी जो कोई पूछ देगा तुमसे, अभी तुम क्या कर रहा है, बोला पहले अंग्रेजी सीख रहा है, क्या कर रहा है? सीख लेंगे तो फिर बैठ के सुधार लेगा ना। बच्चा लोग गलती क्या करता है कि पहले सुधारने के लिए बैठ जाता है, बात समझ में आ गया ना? पहले गाड़ी चलाने आएगा तब ना बोलेंगे कि लेफ्ट साइड से जाना, राइट साइड जाना। गाड़ी चलाने आता है सीधे बोलेंगे लेफ्ट साइड जाना, पहले चलाना था सिखाइए तब ना लेफ्ट राइट। दिक्कत समझ में आ गया ना? बस यही छाप लो। याद होगा ना? ठीक है, ठीक तो है, क्या दिक्कत है? ग्रामर तुम दे ही रहे पूरा, दे ग्रामर बीच बीच के। अब हम कितना उसमें बुझ जाए क्या उसमें हम? इक्कीसो चैप्टर करना है तुमको, ठीक है? हाँ इक्कीस चैप्टर ना, हाँ ठीक है, इक्कीसो चैप्टर का तुम करना है, ठीक है? हम ग्रामर तो यही रहे, हम तुमको बुक में कहाँ समय दे रहे हैं? हम तो ग्रामर ही खींच रहे हैं तुमको ना, बुक में समय कहाँ दे रहे हैं? फिर भी तुम चैप्टर कॉपी में लिख के लाएगा? ओ ये मत सोचना कि लिख के नहीं लाएगा, फिर भी लिख के लाएगा ऑब्जेक्टिव। क्या बोले थे? कहाँ कुछ बोले थे? हाँ समझा गया ना, यही तुम्हारा सिलेबस है। क्या सब पढ़ेंगे? क्या जी नहीं खाली का देख ले, फोटो खींच ले, खाली आंख में खींच लो फोटो, क्या दिक्कत है? उसको छाप लो ना, ये तुम्हारा सिलेबस है, हम जो पढ़ाएंगे ना तो इसी से पढ़ाएंगे। अभी तुम्हारा यही चल रहा है, देखो बेसिक चलेगा अभी, हाँ 30-35 क्लास चलेगा मोटा मोटी बेसिक, तो पूरा बेसिक हो जाएगा तुमको, तब तुमको किसी से डर नहीं लगेगा, वही तुमसे डरेगा। आगे तुमको किसी चैप्टर में दिक्कत नहीं हो, कोई टेंशन पढ़ाएगा ना हमसे, तुम ये पढ़ लिया उसे किसी और से कोनो चैप्टर पढ़ो तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे कैन पढ़ाएंगे सीधे बोलेंगे कैन का मतलब सकता होता है, तो बोलेंगे मैं खेल सकता हूँ, तो खेलना का तो पते है, मैं का तो पते है आई कैन प्ले, हो गया। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो बोलना का तो पते है, इंग्लिश बोलना का स्पीक इंग्लिश, सकना के लिए कैन लगाओ आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो वहाँ टाइम नहीं लगेगा हमको। जो टाइम लगता है सिखाने में हमको नामे के लिए बेसिक है, तो सब बात इसी में बोल देते हैं, कहीं सारा वोकैब से लगभग वोकैब से भी यही दे देते हैं ना, जो जो तुमको जरूरत पड़ेगा। तो बच्चा अंग्रेजी बोलना का स्पीक इंग्लिश की जगह इंग्लिश स्पीक करते रहता है, समझाएंगे ना? कारण है कि नहीं पढ़ा रहता है बचपन से, हम लोग भी नहीं पढ़े थे, सीखे तो आ गया। ये तुम्हारा सिलेबस है, इतना देंगे, 10 को देंगे फिक्स है। नरेशन कहीं एक्स्ट्रा मन हुआ तो लावा दुआ में, और नहीं नहीं इधर देंगे तो ग्रामर में, तो दोनों चैप्टर देना ही हमको। चलो ऊपर में क्वेश्चन था, मैं क्यूटी में रनवे में रहता हूँ, तो टेंस का क्वेश्चन है, किसका है?
अगर तुम खुद से टेंस सीख सकता है तो कोशिश करो, तो अंग्रेजी तुमको अभी से आ जाएगा, कल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वीडियो डाले है, देख लेगा, टेंस आ जाएगा तो कोशिश करो, उसमें सिखाया है बनाना, नहीं तो तुम्हारे बैच में चलेगा, वेट करो। देखो पहले कैसे बनाएगा जी, पहले इसमें क्या करते हैं टेंस में, देखो पहले इसका बना लेते हैं सब्जेक्ट का, एक नंबर में किसका बना लेते हैं, और तब चल जाते हैं उल्टा, तब लास्ट में जाते हैं रहता हूं, तब बनाएंगे रनवे में, तब बनाएंगे क्यूटी में। देखो कैसे बनाए, समझ में आया क्या किया है? देखो पहले कॉन्सेप्ट देखो क्या किया है, अभी तक तो बेसिक में तो उल्टा चल रहा है ना, टेंथ में चलेंगे इसे, शुरू में क्या डाल देंगे हम, सब्जेक्ट डाल देंगे, मैं तो मैं का इंग्लिश लिख लेंगे, अब तब चलेंगे उल्टा, जैसे चलते हैं वैसे ही काम है। तो बनाओ मैं का क्या हो जाएगा, आई, रहता हूं का लीव, क्या होगा लीव, रनवे में, अब देखो रनवे छोटा है क्यूटी छोटा है, दोनों में मैं है, रनवे छोटा है ना, तो छोटा है तो क्या लगाएंगे, एट रनवे, और कहां क्यूटी में ना, हाँ तो इन क्यूटी, मार्कर कोई दूसरा दे दिया हमको, इसलिए गलती होता है बार बार, पुराना मार्कर चाहिए था, नहीं का दे दिया को हम। सही बात है, मैं इसमें का भी इंग्लिश, मैं का भी इंग्लिश, एट और इन, यूज अलग अलग करना है, मिटा दे इधर, छप लिया, अच्छा बाकी क्या था, बोलिए जाते थे कैसा पढ़ाना होता है, अब हाथ पर आते हैं, हाथ कि पांव पर आते हैं, हाथ है, हाथ पर, हाँ सही में, आज क्या पढ़ना है, हाथ, यह है ना पूरा, इसको पूरा यहां से लेकर के यहां, हाथ किसको बोलते हैं, सिर्फ इसको, सिर्फ इसको कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैंड, चलो ये तो पता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ अच्छा, ऐसा लगता है कि हैंड का मतलब सिर्फ हाथ होता है क्या, नहीं ना पाऊ होता है, इस सौ गई बेचारी, पाऊ होगा ये कैसे हो गया, तो लेग का मतलब क्या होगा, दिमाग, तो लेग का मतलब क्या होगा, दिमाग, लेग का लेग पीस होता है जो चापते हो, वो बोला होता है ना जी, अच्छा अच्छा, हैंड का मतलब हाथ होता ही, इसके अलावा यार होता है, हैंड का मतलब घड़ी का सुई भी होता है, मेरे बोलने में किया गया गलती था, स्लिप ऑफ टंग, क्या चीज था, बोलने में किया गया गलती, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चलो हैंड का मतलब क्या होता है, और क्या होता है, और होता है सहायक, नहीं बोलते हैं कि हीरो सब या गुंडा सबका मेरा लेफ्ट हैंड है, सपोर्टर जिसको कहते हैं वो मेरा राइट हैंड है, किसी को देखते हैं तुम्हारा लेफ्ट हैंड कहां है, अरे यहां है, कहा रहेगा, ये भी गजबे है, तो राइट हैंड का यहां तो है, लीजिए तो सही, तो ये वाला नहीं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो सपोर्ट करने के लिए आता है ना, दोस्त यार रहता है ना, बिना उसके बारे कोई काम ही नहीं होगा, उसको भी तो हैंड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, हमेशा सपोर्ट करते रहता है, हैंड का मतलब तीन को मीनिंग निकला, चलो फिर सीखते हैं, उसके बाद हाथ क्लियर हो गया, यहां से स्टार्ट करेंगे और उंगली तक पहुंचेंगे, ठीक है, अब हो जाएगा देखते हैं जहां तक ही जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला ये वाला, इसको बोलते हैं शोल्डर, हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में, कंधा, कंधा, हाँ क्या बोलते हैं, कंधा, अच्छा एक कंघा भी होता है, कंघी बाल सीटने वाला, उसको बोलते हैं कॉम्ब, कॉम्ब मींस कंघी, क्या बोलते हैं, कंघी,
जो भी टकराएगा बीच में उसको खींच लेंगे। देखो रास्ते पेरे जो भी टकराए ना उसको खींचते चल जाना है, छोड़ते नहीं जाना कि अलग से बैठेंगे नहा सुना करके पलथी मार के तब उसको कवर करेंगे। ना 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 ना, जहां रहे वहीं खींच जाना उसको। टकरा गया था कंघी का मीनिंग आ गया। आज कंधा में आते हैं, कंधा यह है ना, शोल्डर बोलते हैं इसको, शोल्डर क्या बोलते हैं, ऊपर वाला हिस्सा होता है, यहां वाला हिस्सा कंधा बोलते हैं। ये तो किलो हो गया। अब शोल्डर जो बोलते हैं ना, तो शोल्डर तीन तरीके का होता है। अब देखो एक तो ये हो गया कंधा वाला, ये किसका हो गया, इन आवरो शोल्डर होता है, एक एस ओ एल डी ई आर, एक ऐसा भी शोल्डर होता है, एक एस ओ एल डी आई ई आर ऐसा भी होता है, लेकिन तीनों को अलग अलग चीज पढ़ते हैं। इसको शोल्डर, इसको शोल्डर, इसको सोल्जर। देखो इसमें जो आ गया, आया कि नहीं, शोल्डर शोल्डर और सोल्जर, इसका मतलब हो जाएगा सैनिक। सोल्जर का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा वो सोल्डिंग करने वाला मशीन नहीं आता है, तार वायर टूट जाता है बिजली का तो नहीं, हम लोग सोल्डिंग मशीन से जोड़ते हैं तो जोड़ने वाला होता है सोल्डर, ऐसा समझना। आयरन जिसको कहा जाता है, नाम आयरन पड़ता है, अब तुम लोग जानता होगा, इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जाना तार जोड़ना है तत्त जोड़ देगा, जिससे जोड़ेगा उसी को बोलते हैं सोल्डिंग मशीन, तब जोड़ने वाला को सोल्डर कहा जाता है, मशीन है जोड़ने वाला, मशीन है क्या करने वाला है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक में तार वगैरह जोड़ते हैं, हम जोड़ चुके हैं, तुम जोड़ के देखना, मेरा काम है वही है तो क्या करेंगे, आ जाओ। हाँ तीन समझ में आ गया ना, कौन कौन है, सोल्डर हिंदी में क्या हो जाएगा, सोल्डर कैसा, जोड़ने वाला, हाँ देखा होगा, एक बार सोल्जर क्या हो जाएगा, सैनिक, कंधा। आ जाओ यहाँ खेल हो गया, और यहाँ कुछ है नहीं तो नीचे आते हैं, यहाँ है ना, ये पापा सब कहते होंगे, मम्मी सब कहेगी, शादी हो जाएगा तो सब कहेगा कन्या को, कन्या कनी माँ दबा दिए ना कनी, ये ना बोलते बाह, क्या बोलते हैं, बाह, इसको बोलते हैं आर्म, आर्म हिंदी में क्या हो जाएगा, बाह, बाजू बोलते ना, कम कर इसको साइड में रखते हैं, इसमें घुसी आ जाएगा, चलो घुसी आन दो, घुसी आ जाएगा तो कहेगा हाथ में कंघी कहां से आ गया, बाल सीतने वाला, कम तो हमको देना चाहते हेर के दिन ना, भूल जाते रहे बोते वो क्या, आप सब कंघी आर्म, अच्छा आर्म मतलब क्या हो गया, बाह बाजू है ना, ये बोला बाजू बोलते ना, ठीक है, अगर आर्म में तुम एस या ई एस लगा देगा, एस लगता है, क्या लगता है, एस हो जाएगा आर्म्स, तो एक से ज्यादा बाह, नहीं नहीं हर जगह एस लगाएंगे तो प्लुरल नहीं होता है, इस बात को समझो, छापो फोन आगे, हाँ गुड मॉर्निंग, आओ 10 बजे, कल नहीं थे, आओ ना, क्या बोले थे, बोले छाप लो, पीछे क्लास तक कंप्लीट है ना एकदम सबका, कमा क्लास था जे, बोले बात हमने लिखे, लिखे नहीं, लिख देता है क्लास 20-19 तक क्लियर है ना, किसी का एक भी क्लास छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, छूटा है तो किसी का मोबाइल मांग करके बैठ करके देख करके नोट्स करके अगला दिन बैठेगा, जो क्लास नहीं आ सकता है उसको बोलना, घर पे होगा ना आराम से सूत के देखेगा, कोई डाउट होगा तो आके डाउट भी पूछ सकता है, आ जाओ। आर्म मतलब क्या हो गया, बाह, आर्म में एस जोड़ दी तो क्या हो गया, आर्म्स, एक से ज्यादा बाह, नहीं देखो हर जगह एस सी एस नहीं लगता है, हर जगह एस सी आई एस लगाने से वो प्लुरल नहीं होता है, मतलब एक से ज्यादा, लोग को क्या लगता है कि एस लगा दो एक से ज्यादा हो जाएगा, हर जगह नहीं होता है, तो यहां भी एस लगा देंगे तो एक से ज्यादा
नहीं होगा। जैसे वाटर में एस लगाते हैं वाटर्स, तो उसमें हो जाएगा बहुते पानी, पानी पटाना। आज समझना, जैसे देखो वाटर का मतलब क्या होता है, पानी। अगर वाटर में एस लगा देंगे तो मन में ऐसा आता है कि बचपन से वही पढ़ते आए ना कि एस लगा दो एक से ज्यादा हो जाएगा, तो वाटर का क्या हो जाएगा, वाटर्स ना, तो ऐसा लगता है कि हो जाएगा भूते पानी। इसका हिंदी होता है पानी पटाना। आया समझ में? जैसे सीखो पहले तब छापना। जैसे बोलेंगे गुड, क्या बोलेंगे, गुड। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। और तुमको लगेगा कि इसमें एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुड्स, तो बहुत ही अच्छा समान। देखो हो रहा है कि नहीं, एस लगाने पे एक से ज्यादा होता है, एस लगाने पे एक से ज्यादा हो रहा है कि मीनिंग चेंज हो जाता है, मीनिंग ही चेंज हो जाता है। वही बात है कि आर में एस लगा देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। आर्म्स हथियार होता है इसका मतलब, हथियार, गोला बारूद नहीं कहते हैं, हथियार बोलो, गोला बारूद बोलो। न्यूज वाया देखेगा तो सुनेगा भी, टू टेररिस्ट हैज बीन अरेस्टेड, हैव बीन अरेस्टेड विथ आर्म्स, टू टेररिस्ट हैव बीन अरेस्टेड विथ आर्म्स, मतलब दो गो आतंकवादी धराया कथी के साथ, हाँ तो आर्म्स मतलब बांह के साथ। तो जो भी पूछता होगा, अच्छा वहां के साथ रहा भाई, वहां तो उसका होगा ही, अब कभी तो रहेगा, ऐसा लगता है ना। तो नहीं, सीखो आराम से। ऐसे विथ का मतलब होता है के साथ, विथ का हिंदी क्या होता है, के साथ। जिसके भी साथ प्रीपोजिशन है, क्या चीज है, जिसके भी साथ रहेगा आगे पुट कर दो। जैसे बोल दिए कि क्या था, हथियार के साथ, हथियार के साथ, तो पहले किसका बनाएगा, फिर किसका बनाएगा, के साथ का क्या हो जाएगा, विथ, हथियार का क्या हो जाएगा, विथ आर्म्स हो जाएगा। और बोलेंगे मोनू के साथ तो क्या बोलेंगे, विथ मोनू। सोनू के साथ तो क्या बोलेंगे, अमिताभ बच्चन के साथ, सोनू के साथ, विथ सोनू, ठीक ना। कैटरीना कैफ के साथ, मेरे पापा के साथ, With my father, नहीं हो जाएगा। चलो आ जाओ हथियार में आता। अच्छा बाण तो, बाण तो एक होता है हाथ वाला, सही बात है ना। कपड़ा का भी तो बाण होता है, देखो ना ये है ना बाण, ये सॉरी हाथ बाण है, ये कपड़ा का बाण है, हाँ स्लीव बोलते हैं, स्लीव का मतलब ही बाण, यहां लिखते हैं स्लीव का मतलब ही होता है बाह। ये देखो कपड़ा वाला बाह मतलब कौन वाला, अरे भाई तुम लोग रियल वाला मत समझ लेना। नहीं आजकल कपड़ा आ गया स्लीवलेस, दुकान में जाएगा अगर तुमको मान लो ये नहीं चाहिए, सिर्फ यहीं तक का चाहिए शॉर्ट से ही, तो तुमको बोलना पड़ेगा ना कि स्लीवलेस दिखाइए, बोलते भी है स्लीवलेस दिखाइए, तो ये मतलब ये कपड़ा यहाँ के बाद नहीं रहेगा स्लीवलेस। लेस का मतलब होता है कम, लेस का मतलब तो स्लीव में से कम कर देगा तो स्लीवलेस नहीं हो जाएगा, तो बिना बाह का ना हो जाएगा, स्लीव लेस। LEWS नया मार्कर से नहीं चलता रे। मिस्टेक होगा खाली, लो स्लीव लेस क्या हो जाएगा, बिना बांह का कपड़ा का ही बात हो रहा है, स्लीवलेस। अच्छा आ गया हाफ स्लीव, ऐसा भी तो आ गया ना, यहां तक जो रहता है हाफ स्लीव, ये फुल स्लीव है, कैसा स्लीव है, ये फुल है ना, यहां से कितना हो जाएगा हाफ स्लीव, पूरा हटा देंगे तो, हटा देंगे तो स्लीवलेस बिना बांह का। चलो टी शर्ट तुमको लेना है तो बोलेगा हाफ स्लीव में दिखाइए, स्लीवलेस में दिखाइए, तो यहां के बाद हट ले रहेगा, बोलेगा ना। चलो ये बोला बिना आर्म में दिखाइए, आर्मलेस दिखाइए, बिना हाथे वाला, ठीक है ना, ना होगा, क्या पता तुम्हें बोलियो देगा रे, कॉमेडी सब तो है। और क्या छाप लिया, छाप रहा है तो इतना छाप रखो।
और क्या है, माँ के बाद क्या है, कदी कोई चिकरा। अभी अमिताभ बच्चन बगल से गुजरते तो ना मार बगल वाला के मार भी है, देखिए 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 बोलते ही नहीं बोलते, लोग बोलते भी है। हाँ, जगह बगल में बैठे रहते हैं, कोई अगर सर आ रहे हैं बोर्ड पर बोर्ड नहीं पीट देते तो ऐसे मारते भी है ना। हाँ, तो क्या चीजें मारते हैं, केवनी से मारते हैं, केवनी नहीं रे, केवनी तो पाँव में होगा, केवनी ना होगा भाई। आ जाओ, केवनी बोलते हैं इसको हिंदी में, आ जाओ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्बो। केवनी एल्बो ये वाला चीज है। अच्छा, और ये तो केवनी हो गया ना, एक केवनी मारना भी तो होगा, जो मारते रहते हैं है, देखिए देखिए मार के चेक करना भी, चेक करवाएंगे, रुक जाओ। नज, नज का मतलब था केवनी मारना, NUDG नज, केवनी मारना। मार के दिखा देते केवनी किसी को, मार जल्दी ऐसे क्यों नहीं मारता ना, प्रैक्टिकल देखना, जल्दी मार देना, गजब हाल है, मार दो नज, क्यों नहीं मारना। क्यों नहीं मारना मतलब क्यों नहीं मार के ध्यान खींचना, रियल में क्या होता है, क्यों नहीं मार के क्या करते हैं, क्यों नहीं मारते हैं दुश्मन है तुम्हारा, कि ध्यान उसका ध्यान खींचते हैं, ध्यान खींच के सामने लाते नहीं, बोलते हैं सामने देखो ना, तो क्यों नहीं मार के ध्यान आकर्षित करते हैं, उसी को बोलते हैं नज, ठीक ना। तो बोलेगा डोंट नज मी, नहीं बोलेगा डोंट नज मी, मुझे क्यों नहीं मत मारो, हिंदी क्या हो जाएगा, मुझे क्यों नहीं मत मारो। डोंट नज मी, इधर छाप लिया बता दे। तो कंघी को क्या बोलते हैं, पानी को क्या बोलते हैं, पानी पटाना हो क्या बोलते हैं, वाटर्स। अच्छा हो क्या बोलते हैं, सामान को क्या बोलते हैं, तो ऐसा लगाने पर बहुत ही अच्छा कि मीनिंग बदल जाएगा, मीनिंग बदल जाता है। इसलिए देखता होगा गुड्स ट्रेन, देखा होगा मालगाड़ी स्टेशन में जाएगा ना, तो गुड्स ट्रेन, ओ अच्छा गाड़ी, जाके बैठ जाना, देखो जो बच्चा समझेगा गुड का मतलब अच्छा, देखिए गुड्स ट्रेन क्या, सबसे अच्छा गाड़ी यही है, लिखल भी है गुड्स ट्रेन, जाके बैठ जाएगा। तुम्हारे लिए आई भी नहीं हो, सामान ढोने के लिए है खाली, हाँ ठीक से बैठ मर जाना उसमें जाकर के तुम। डॉन्ट नज में हो गया ना, आ जाओ यहाँ तक तो है ना, कुछ आगे आते हम। अब यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा होता ना उसको कलाई बोलते हैं हिंदी में, है कि नहीं, कहां से यहां से लेकर के हिंदी में क्या बोलते हैं, कलाई। इंग्लिश में बोल जरा क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रिस्ट बोलते हैं, रिस्ट क्या बोलते हैं, रिस्ट। स्पेलिंग कोई बता दो रिस्ट का, RIST होता तो तुमसे पूछ में नहीं करते हम, RIST होता तो और नहीं पूछते तुमसे हम ना, हम तो बतेवे करवे कि हमारा तो कामे है, हम तो स्टाफ छीन तोड़ सके, हम टीचर थोड़े है, मास्टर है हम, क्या स्टाफ है, अरे बता मास्टर क्या स्टाफ है, नहीं क्या, नहीं RIST रेस्ट होता है, देखो इसको आराम करने पर ध्यान है, इसको उस बीच में चापने पर ध्यान था ना, अब उसका ध्यान चला गया आराम करने पे, W से स्टार्ट होता है, सोच नहीं पाए तुम, WRIST, इसमें W क्या रहता है, साइलेंट, इसलिए पढ़ते क्या है, रिस्ट, समझा गया ना, साइलेंट को पढ़ते है, भूल जाओ, लेकिन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखना तो जरूरी है। सुनामी का स्पेलिंग कोई बता देगा, सुनामी का स्पेलिंग, ऐसे तो स्टार्ट ही नहीं होगा वो, सुनामी का स्पेलिंग कोई बता दो, इतना समय ऐसे स्टार्ट नहीं होता है, और उसके अलावा तुम सोच नहीं पाएगा, ऐसे स्टार्ट ही नहीं होता है सुनामी, नहीं बताएगा, तो देखो टी से स्टार्ट होता है,
हाँ टी सुनामी नहीं, सुनामी पढ़ते इसको, टी साइलेंट है। सोचो कैसे बनाया हुआ, पता नहीं काय बना दिया ऐसा ऐसा। अपने तो कंफ्यूज होगा, हम लोग को भी कंफ्यूज कर दिया बिना भाषा। अपने तो मर गया होगा, जो बनाया होगा वो तो टपको गया होगा, कौन दुनिया में होगा पता नहीं। हम लोग इस दुनिया में दिक्कत हो रहा है। सुनामी इसका मतलब क्या होता है? समुद्री लहर, लहर या कहर। समुद्र लहर बगराता है ना, सुनामी ही कहते हैं ना उसको। अच्छा पृथ्वी को छापना आराम से रखो। हाँ कहाँ थे हम लोग? कलाई ना, कलाई किसको बोलते हैं? यहां से लेकर के यहां तक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिस्ट बोलते हैं। अच्छा रिस्ट में हम लोग पहनते भी है, क्या क्या पहनते हैं? चूड़ी, ब्याह, वॉच और अंगूठी पहने का रिस्ट में। देखो वो देखा, ये कहां है? इस गोला का नहीं है, क्लियर है कि यह लगता है कि बुध या बृहस्पति पर से आ गया है या मंगले पर से आया क्या? इसमें कैसे अंगूठी पहनाएंगे तुमको? हम कलाई में पहना पाएंगे? हाँ ब्रासलेट, कंगन, हाँ क्या और क्या बोला? माठा, हाँ धागा, धागा नहीं पहनते है? अब ये सरस्वती पूजा आता तुरंत धागा कपड़ा फाड़ के पहन लेगी। आ नहीं पंडित सब कोई धागा अच्छा सा पवित्र भगवान को चढ़ा हुआ जो बांध देते हैं ना, हाँ हाँ धागा बोलते हैं। तो आ जाओ कलाई तो समझ में आ गया ना, पहले तो आ जाओ कंगन पहनते हैं ये ना जी। कंगन को बोलते हैं ब्रासलेट, एक तो समझ में आ गया। कंगन क्या बोलते हैं? ब्रासलेट, सीखो पहले। और क्या पहनते हैं? चूड़ी ना, चूड़ी को बोलते हैं बैंगल्स। देखो अच्छा बैंगल बोलो या बैंगल्स बोलो, कभी कभी बच्चा डाउट में रहता है कि सर चूड़ी का बैंगल होगा कि बैंगल्स होगा, बैंगल होगा कि बैंगल्स होगा। जैसे बच्चा डाउट रहता है कि आंख का आई होगा कि आईज होगा, आई होगा कि आईज होगा, दोनों सही है भाई, सही दोनों है। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है कि आंख जो होता है ना हमेशा पैर में होता है, पैर बोले तो जोड़ा। हाँ रुको ना, स्पेलिंग सही है, ये सब हमेशा कैसे रहता है? पैर में, मतलब एक से ज्यादा। जैसे हाथ बोलेंगे तो हाथ एक होता है कि दो गो होता है? आंख का बात होगा तो एक होगा कि दो गो? कान का बात होगा तो? समझ में आ गया ना, इधर हमेशा क्या रहता है? पेयर मतलब जोड़ा में रहता है, तो जोड़ा में रहता है तो एक से ज्यादा हो गया ना, इधर लोग ऐसा लगा के चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज बोलेंगे तो कोई दिक्कत है, इसलिए बैंगल हमेशा एक बैंगल एगो पहनते हैं कि एक से ज्यादा ही पहनते हैं? तो इसलिए बैंगल ना बैंगल्स, क्या बोलेंगे? बैंगल्स। चूड़ी बोलो या चूड़िया बोलो, बेंगल्स है इसका मतलब एक से ज्यादा ही पहनते ना, चूड़ी नहीं चूड़िया हो जाएगा रियल में, शुद्ध हिंदी में जाएगा तो चूड़िया। हम हिंदी नहीं सिखा रहे, चलेगा हिंदी तब सिखा देंगे, घबरा मत। आ जाओ कंगन हो गया, चूड़ी हो गया, और क्या पहनते हैं? क्या बोला था? अभी कुछ बोला था एक बार, धागा। हाँ घड़ी पहनते ना, आ जाओ घड़ी का बता चुके हैं हम, घड़ी, घड़ी दो गो, एगो हाथ में शरीर के साथ, एगो शरीर के बाहर। तो शरीर के साथ रहेगा तो क्या बोलेंगे? वॉच, है गलती लिख दी हम, हैंड होगा यहाँ पे, अच्छा अच्छा थोड़ा सा गलती लिख दिए थे, एक होगा वा, हाँ वॉच, एक होगा क्लॉक, अब हो गया मिस्टेक कर दिए थे। आ जाओ तो वॉच हो गया किसके साथ? शरीर के। अच्छा इसका इंग्लिश में नाम तो शरीर के साथ का जस्ट सिखाया उधर, देखो नहीं सिखाया के साथ का क्या होता है, बट साथ का हो गया विथ, बॉडी का द बॉडी बोल दो या विथ बॉडी बोल दो, विथ बॉडी नहीं हो जाएगा ठीक है ना। आ जाओ क्लॉक हो जाएगा, इसका इंग्लिश बनाओ तो नहीं, शरीर के साथ है कि शरीर के बाहर है? शरीर को साथ है कि शरीर को छोड़कर है? छोड़कर है ना, तो विदाउट हो जाता है, साथ रहेगा तो विथ नहीं बोलते है, विदाउट मनी बिना पैसे का, विदाउट मोबाइल बिना मोबाइल का, विदाउट, विथ में आउट लगा दो बाहर हो जाएगा, विदाउट नबडी, दो समझ में आया, विदाउट और विथ समझ में आया। हाँ वहां से भी इंग्लिश सीख सकते हैं हम लोग, हाँ बोलेंगे शरीर के साथ क्या बोलेंगे? विद द बॉडी, शरीर के बाहर तो क्या बोलेंगे? विदाउट बॉडी, विथ का मतलब के साथ, विदाउट का मतलब के बिना, जैसे बोलेंगे पैसे के बिना,
क्या बनेगा? विदाउट मनी तुम्हारे बिना, विदाउट यू, राम के बिना विदाउट राम, मोबाइल के बिना आ जाएगा ना। चलो ठीक है, छापो भाई इतना पहले झंझट छापना ही जाओगे झंझट दे। अगले बैच से ना क्लास में छापने नहीं देंगे, क्या करेंगे पूरा पढ़ाएंगे और एक किसी को बोलेंगे उसका काम रहेगा खाली छापना, एक लड़का रखेंगे उसका काम रहेगा क्या, अब बाकी का काम रहेगा खाली सीखना, वो छाप लेगा और छापने के बाद पीडीएफ बना के दे देगा क्लास वाइज। तुम खाली क्लास में आओ रहीस की तरह एकदम, हाँ रहीस की तरह आओ, आराम से कोना आराम से पलती मार के बैठो, टांग टांग रख करके सुनो समझो भागो। जिसका हैंडराइटिंग अच्छा होगा वो छापेगा पूरा बैठ के लिखेगा। हमने कुछ कॉल किया करो, जमा कर दीजिएगा सब ठीक है, ऐसे ही बचिएगा तो काम नहीं चलेगा है। हाँ तो थोड़ा फी भी जमा कर लेगा, लेकिन दीजिए पैसा नहीं जमा करिए। हाँ हो गया ना तो इसलिए कर दो जमा, क्या दिक्कत है। अब चल रहा है ना क्लास, जमा करिए सब। हमने कहे चले हमरा जे हम कहले कि चलो कला चलते रह कहबे रह चले जे कब जे है ना पियर में अगर आप होता है पार कर जे है सोचे चली कहां रखिए है एकदम कब तक ठीक है। चला ना एगो डब्बा यहां रख ले छे ठीक है, हूं से नहीं उठाए पड़त हां एगो डब्बा रख देबे हां मैं धर हां तो हूं नहीं उठाए पड़ते हां डब्बा फेंक देते तो नहीं नहीं हां कचरा रखो हमरा से नहीं उठाई बाहर में आना कितने ना कतू है जना जना कल सब करें तो सब कब के सुबह लिए खालील साहब उगला किच खर्चा बता दे तो रजे बोलिए उगला सब बोले तेरा का रूम बता उगला का फेंका का छे आपने तो जुआ खालील बिना तो करवा दी कोई कोई देते कल का हिम से देते तो कुल संतानी तब देश बोलो कि लच्छा प्रास तो जाइए कि लड़ता बिजार जब कर लगा बोलता है ना मिस्टर कोई दे कि हो गया मिटाए तो बोलो हाथ को क्या बोलते हैं हैंड, और क्या मीनिंग हो हिंदी होता है इसका घड़ी, घड़ी नहीं रे घड़ी का सुई, घड़ी लिख देते क्या हम घड़ी का सुई। हाँ ठीक है, और क्या बोलते हैं सहायक ना, और सैनिक को क्या बोलते हैं सोल्जर, एक बार होता है ना सोल्डर। हाँ बांह को क्या बोलेंगे आर्म, और गोला बारूद को आर्म्स, के साथ का विद, जैसे बोलेंगे सोनू के साथ, मेरे पापा के साथ, हाँ जैसे बोलेंगे तुम्हारे बिना विदाउट, क्या बोलेंगे विदाउट, और कपड़ा के बांह को क्या बोलते हैं स्लीव, स्लीव, हाँ बांह नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे स्लीवलेस, क्यों नहीं मारना का नज, केवनी को एल्बो, तो बोलेंगे मुझे केवनी मत मारो तो क्या बोलेंगे डोंट नज मी, कलाई को रिस्ट, कलाई में क्या सब पहनते हैं कंगन, हाँ चूड़ी और घड़ी, तो क्या बोलेंगे ब्रासलेट को, ब्रासलेट बोले ना कंगन को, चलो घड़ी घोड़ा मत मान लेना रोटो मिटाने बहुत मेहनत रे, कहाँ पच जाता है रब का, तुम लोग कल से टिफिन लेके आएगा जब तक हम चाहे तो रोट मिटाएगा, मेहनत कौन करेगा, हाँ रात का रोटी और भुजिया खाली गरम गरम लेके आना दिन का भला, दो गो रोटी एगो भुजिया सब अपना बांट लेगा, आज तुम कल तुम परसों, एक भुजिया आ जाओ
लेकिन अगर रामतुराई का भुजिया रामतुराई का भुजिया और रोटी कल लेके आएगी तुम टिफिन में, रामतुराई नहीं पढ़ाए थे देखो हाँ हम लोग उधर रामतुराई कहते हैं, हम रामतुराई कहते हैं, पता नहीं दूसरा क्या कहता है। आ जाओ, क्या बोले थे अभी हम, धागा ना, धागा भी पहनते, मिटा दिए सारा रे, आ जाओ, धागा भी पहनते ना, धागा को बोलते हैं थ्रेड, सूती धागा को थ्रेड धागा, लेकिन नॉर्मल धागा पहनते हैं कि पवित्र धागा पहनते हैं, हाँ पवित्र रहता ना, थोड़ा सा भगवान को चढ़ल रहता ना, तो पवित्र को बोलते हैं सैक्रेड। पवित्र का ऐसे दो मीनिंग होता है, एक होता है होली, एक होता है दिवाली। अरे भाई एक होली होगा तो दूसरा तो दिवाली ना होगा, एक होता है होली दूसरा दिवाली नहीं होता है, ये बात याद रखना। सैक्रेड एक हो गया होली, एक हो गया सैक्रेड, तो इसको बोलेंगे सैक्रेड थ्रेड, पवित्र धागा। हमको नहीं पता था, हम बना लिए अपना से खुद से, पवित्र धागा सैक्रेड थ्रेड। पवित्र धागा, चलो इतना काम तो हाथ में होता है, और कुछ नहीं पहनते हैं, पहनते तो खोज रहा बताएंगे क्या दिक्कत है। देखो उसके बाद आ जाओ, खींचते अच्छा मेटा छाप लिए, रुको अभी बोर भरने में टाइम है, घबरा मत। देखो ये पूरा हिस्सा है ना, अब यहां तक तो पहुंच गया ना, अब आगे यहां से आगे ना, अब ये पूरा सामने हिस्सा है नहीं, तो ये सामने वाला है ना, ये जो अंदर वाला है इसको बोलते हैं हथेली, बोलते नहीं है पंडित जी कहते नहीं है, कहने वाला हाथ दिखाइए, हाथ दिखाता पूरा लीजिए, हाँ अब सर पंडित जी कहेगा हाथ दिखाओ तो पूरा हाथ दिखा लीजिए ना, ठीक है पूरा दिखा देना इधर उधर सारा, लेकिन नहीं हथेली दिखाते हैं मेन, क्या दिखाते हैं इसी को कह देते हैं इंग्लिश में पाम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं पाम, स्पेलिंग लिखना पड़ेगा पाम, एल साइलेंट है, एल पर ना ही नहीं है हथेली। हथेली ये आगे वाला हिस्सा आ जाओ, अच्छा यहां हथेली से करते क्या क्या है, सबसे पहला काम ये चमेटा खींच देते हैं किसी को, हथेली से क्या काम है, सबसे पहला काम तो वही ना है, कोई पूछेगा हथेली का काम बताइए, आइए ना बताते हैं, किसको जानना है हथेली का काम, तो बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, ट्राई कर लेते हैं, शुभारंभ इनॉग्रेशन कर लेते अभी हम, इनॉग्रेट क्या बोलते हैं, इनॉग्रेट शुभारंभ करना, शुभारंभ कैसे लिखेंगे भी, शुभारंभ कर देते साफ साफ लिख देते हम, लिख लेना अपना शुभारंभ करते ना, गलती ऐसे शुभारंभ करते ना, गलती है ना, सही है, आई थिंक कैसे लिखते हैं शुभारंभ पता नहीं, ठीक है इनॉग्रेट करना शुभ आरंभ करना, करना होता है इनऑग्रेट, सही बना इनऑग्रेशन शुभ आरंभ, आया समझ ना, चलो बुझा उसको, तो क्या बोलते हैं, हाँ हथली है ना पाम ना, सबसे पहला काम क्या है उसका, त्राक से एक चमेटा खींच देना, चमेटा खींचना, चलो ठीक है, चमेटा खींचते हैं कि थप्पड़ मारते हैं, हम भी सोचे क्या होता है इंग्लिश, हाँ चमेटा मारना मतलब थप्पड़ मारना, थप्पड़ मारना का होता स्लैप, स्लैप थप्पड़ मारना, ये ना होता है अब मेरे भाषा में चमेटा, एक चमेटा तो लगता बस नानी नानी याद चले तो, ये ना बोलते हैं स्लैप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एक होता है क्लैप, एक होता है फ्लैप, अरे देखो तीन को मिल गया, स्लैप क्लैप फ्लैप, समझ में आ गया ना, क्या क्या बोलेंगे, स्लैप क्लैप और फ्लैप, पहले सीखो ना लिखना बाद में, रखो पेन, क्या क्या बोलेंगे बोलो जरा, स्लैप क्लैप और फ्लैप, स्लैप का मतलब थप्पड़ मारना और क्लैप का मतलब ताली बजाना, ताली मारते कि बजाते हैं, किसको मारता है ताली तुमने
कैसे मारता है पता नहीं, ताली बजाते हैं, ताली बजाना। एक होता है फ्लैप, फ्लैप का मतलब झंडा भी होता है ना, सॉरी फ्लैग होता है, वो भी लिख देते लोग। फ्लैग का मतलब क्या हो गया, झंडा। ये अंशुवार दे दिए थे, नौ देने का जरूरत नहीं, तुम अपना एक देना, हम दो को दे दिए, अब कौन मिठाई होता, कष्ट कौन करेगा, ठीक ना, आ जाओ। फ्लैप है ना, फ्लैप का मतलब चुटकी बजाना, नहीं बजाते, बजाने नहीं आता हमको, ऐसे बजाते हैं ना, हाँ, तो फ्लैप क्या बोलते हैं, फ्लैप चुटकी बजाना। तीन समझ आ गया ना, हाँ, चुटकी बजाना फ्लैप, थप्पड़ मारना का स्लैप, ताली बजाने का क्लैप। अब जैसे बोलेंगे कोई अगर मान लो कि चुटकी बजा रहा है क्लास में, तो क्या बोलेंगे, क्लास में चुटकी मत बजाओ, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, डोंट क्लैप कि फ्लैप, डोंट फ्लैप ना, डोंट फ्लैप इन द क्लास, आराम से हो जाएगा, डोंट फ्लैप इन द क्लास, क्लास में चुटकी मत बजाओ। तुमको अगर थप्पड़ मार देगा तो बोलेंगे कि मुझे थप्पड़ मत मारना, मुझे थप्पड़ मत मारना, क्या बोलेंगे, डोंट स्लैप मी। यहाँ का मार्कर कौन ले गया, नहीं का मार्कर से गलती होता है, पुरन का मार कर दो, खुद को मारो, डाई योर सेल्फ, किल योर सेल्फ, बीट योर सेल्फ। मारना का, मारना का पहले बताओ हमको, मारना का दो को इंग्लिश होता है, कौन, एक होता है बीट, एक होता है किल। अगर जान से मारेगा तो किल, अगर टांगा तोड़ देगा, मुंह कान फुला देगा, बीट। मुँह कान फुला देना, बीट। जो भी मन रहता है मन में पूछ लिया करो, नहीं आएगा तो बोलेंगे लिख के रखो, गूगल ट्रांसलेट यूज करना है ऐप सबको, बोले है ना, कौन सा ऐप, गूगल ट्रांसलेट, आलू डालो सोना निकलेगा, ऐसा सुने, मतलब हिंदी डालो इंग्लिश निकलेगा, इंग्लिश डालो हिंदी निकलेगा। ये ऐप है, ऐप यहां बोले ना, ऐप रियल में ऐप नहीं होता, एप्लीकेशन होता है, लेकिन हम लोग कोरिया है ना, हम लोग क्या है, इसलिए बोलते हैं ऐप है ना, अगर तुम कोरिया है तो क्या बोलेगा, हाँ गूगल ट्रांसलेट का ऐप डाउनलोड कर लो, अगर कोरिया नहीं है तो बोलेंगे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। चलो, एप्लीकेशन मतलब क्या, सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन को हम लोग कंप्यूटर में हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उसी को मोबाइल में एप्लीकेशन बोलते हैं, दोनों एक के नाम है, पानी बोलो, जल बोलो, वाटर बोलो, नील नील नीर नीर बोलो, H2O बोलो, ठीक है ना, सब पानी है, एक्वा बोलो, पानी का दूसरा नाम एक्वा। देखो बोला कि एक गिलास एक्वा पिलाइए तो कहेगा एक्वा है, ठकुआ खाएगा सो बोलो, हाँ, जो बोलेगा कि ठकुआ चाहिए सो बोलो, लेके आते हैं, एक्वा कहां से लेके आए तुम, कहो कुछ काम करते हैं इसे।
और ताली बजाने का क्या होता जी, क्लैप ना, बोलेंगे चलो ताली बजाओ, चलो ताली बजाओ, ताली बजा के ना क्लैप, इसका ना होगा क्लैप, चलो का क्या होगा, कमॉन, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, एक्शन में लाने के लिए, कमॉन का हिंदी होता है, लिख देते हैं कमॉन, कमॉन का हिंदी होता है चलो, इसका यूज करते हैं एक्शन मिलाने के लिए, बैठा हुआ था एक्शन मिला दिए, काम स्टार्ट हो गया, एक्शन लाने एक्शन मिलाने का मतलब काम स्टार्ट करवाना, बैठा हुआ बोले चलो ताली बजाओ, कमॉन क्लैप, चलो लिखो, कमॉन राइट, नहीं बोलते चलो छापो भाई, कमॉन राइट, चलो एक्शन मिलाने के लिए लिख लेना, लिखेगा तो एक्शन का मतलब काम, एक्शन में लाने के लिए, कमॉन प्ले, कमॉन राइट, कमॉन डांस, तो बोले कमॉन क्लैप, चलिए ताली बजाइए, एक होता है पुट्स योर हैंड टुगेदर, किसी के स्वागत में एक साथ ताली बजाना, अब ये मान लो कि आएंगे यहां पे शाहरुख खान, बोलेंगे कि प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, एक साथ ताली बजाइए, समझ आ गया ना, पुट्स योर हैंड टुगेदर, लिख दे, यहां लिख देते हैं, पुट्स योर हैंड्स टुगेदर, हिंदी हो जाएगा किसी के स्वागत में एक साथ ताली बजाना, टुगेदर का मतलब एक दूसरे के साथ होता है, चलो काफी है, बहुत है, याद रखना, कल कहां तक दिए थे, हथेली, पाम दे रहे थे ना, चलो पाम के आगे देंगे, उंगली वगैरह भी बताना पड़ता है, पूरा उंगली बता देंगे तो हो जाएगा, वोकैब सब है, पूरा दोबारा तिबारा पढ़ेगा तो याद हो जाएगा, सर को देना, सर को, हाँ क्या बोले थे, क्वेश्चन बोले, छाप लिया, छाप लो पहले, छाप लो, बोले चलो लिखो, नेक्स्ट, मुझे अपना हथेली दिखाओ, शो मी योर पाम, दिखाना का, शो, शो मी योर पाम, मुझे अपना हथेली दिखाइए, अपना कंगन निकालो, रिमूव योर ब्रासलेट, निकालना का, रिमूव, नेक्स्ट, मुझे क्यों नहीं मत मारो, हाँ हाँ आओ, दस दस हो जाएगा तो, नहीं तो तीन, दस आम, नहीं तो आए, ठीक है लेकिन दस आ जाना, आज ले घूमते फिरते जल्दी, हाँ क्या बोलता अगला, मुझे क्यों नहीं मत, और हाँ देखो लिखना कि सोनू के साथ, सोनू के साथ, सोनू के बिना, सोनू के बिना, ताली मत बजाओ, चुटकी मत बजाओ, इस बात को छोड़ो, यह पानी है, यह पानी है,
दिस इज वाटर। अरे वाह क्या कार है। मुझे मत ललकारो, चैलेंज करता है, डोंट चैलेंज मी। अपने बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर सेल्फ। पता करो, अपना जूता पहनो, मुझे मत फंसाओ। गुस्साओ मत, एक और लिखो, पढ़ाकू बनो, रहने दे, काफी है।